आज मैं आपको प्रमुख नाटककारों के नाम बताने वाला हूं और उनकी प्रमुख नाटक भी बताऊंगा। चलिए तो बड़ी ही गहराई से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमुख नाटककार और नाटक, उनकी नाटक है ना। तो देखिए जय शंकर प्रसाद की जो नाटक है वह चंद्रगुप्त स्कंदन गुप्त थी, ठीक है, एक घूट थी। तो यहाँ पर एक या दो लिख देते केवल, बस चंद्र गुप्त और यहाँ पर कोमा लगा के लिख देते चंद्रगुप्त और एक घूट, ठीक है। दूसरे जो है वो है हरि कृष्ण प्रेमी, बहुत पूछता है ना हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी का जाएगा शिव साधना, शिव साधना और भंग और विषपान। ये क्या है? विषपान। हो गया इतना। तो इसके बाद में आपका यदि हम तीसरे की बात करें, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। तीसरा क्या है? राजकुमार वर्मा। देखो पहले हमने देखी थी जयशंकर प्रसाद की, बहुत सारी बच्चों है ना, ऐसा नहीं है चंद्रगुप्त स्कंदन गुप्त एक घूट, ठीक है, जो अच्छे लगे वो लिख देना, है ना। हरि कृष्ण प्रेमी, शिव साधना, भंग और विषपान, राजकुमार वर्मा। देखो राजकुमार जो वर्मा है, इनकी ये विजय पर्व, क्या है? विजय विजय पर्व है। सत्य का स्वप्न है, सत्य का स्वप्न। चौथा है आपका उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट की आज की रचना लिखना है विक्रमादित्य। और संत तुलसीदास, ठीक है भैया। तो ये प्रमुख नाटककार हुए हैं और उनकी नाटक, ठीक है। अच्छे से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, यहां से लिख लो चाहे आप यहां से लिख लो, है ना। ये मैं आपको है ना अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, हमारे 9th और 10th के लेवल के हिसाब से करा रहा हूँ। कॉम्पिटिशन के लेवल के लिए एक अलग चैनल बनाया है, उस पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा, है ना। पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगा आपको, कोई निश्चिंत रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने कम्प्लीट कर दी। आपको कोई भाई बहन है जो 9th या 10th में है तो बिल्कुल चैनल के साथ जरूर जोड़ दीजिएगा।